This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों हमारे चैनल क्राइम कहानी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको क्राइम और हॉरर से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज की कहानी बाप और बेटी के एक ऐसे अनोखे रिश्ते को दिखाती है जिसे अच्छा या बुरा समझना हम आप पर छोड़ देते हैं। कहानी के अंत में आप ही इस बात का फैसला करेंगे क्या इस लड़की ने ठीक किया। ये कहानी है उस समय की जब रोम में गुनहगार पाए जाने पर बहुत ही दर्दनाक सजाएं दिए जाया करती थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस समय के राजा महाराजा अपने दुश्मनों और गलत काम में पकड़े जाने वाले दोषियों को बेहद ही दर्दनाक सजाएं दिया करते थे। इसी वजह से रोम के निवासी किसी भी तरह का गुनाह करने से पहले 100 बार सोचते थे। एक बार राजा साइमन नाम के एक बुजुर्ग आदमी को आजीवन भूखा रखने की सजा दे देते हैं। राजा के सिपाही साइमन को एक अंधेरी काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देते हैं और सख्त पहरा लगा देते हैं। राजा का यह हुक्म था कि जब तक यह मर ना जाए इसे ना तो कुछ खाने को दिया जाएगा और ना ही कुछ पीने को दिया जाएगा। उस बुजुर्ग आदमी की एक बेटी भी थी जिसका नाम पैरू था। अपने पिता को दी गई सजा सुनने के बाद पैरू राजा के पास अपनी फरियाद लेकर जाती है। पैरू राजा से कहती है कि मेरे पिता अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए कृपया मुझे उनसे रोजाना मिलने की इजाजत दे दी जाए। राजा को इसमें कोई आपत्ति या परेशानी नहीं दिखती, इसी वजह से राजा पैरू को अनुमति दे देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि अपने पिता से मिलने से पहले पैरू की अच्छी तरह से तलाशी ली जाया करेगी ताकि वह कोई भी खाने पीने का सामान कालकोठरी के अंदर ना ले जा सके। पैरू राजा की शर्त को मान लेती है। पैरू जब भी अपने पिता से मिलने जाया करती थी सैनिक उसकी अच्छी तरह से तलाशी लिया करते थे। इसी तरह रोजाना वो अपने बूढ़े पिता से मिलने जाया करती थी। काफी दिन बीत जाते हैं, तभी एक बार वहाँ का जेलर साइमन की हालत को देखने का विचार करता है। उसको लगा कि साइमन भूख प्यास से बेसुध और बेहोशी की हालत में बस मरने की ही कगार पे होगा, क्योंकि उसे जेल में डाले आज तीसरा हफ्ता जो हो चुका है। लेकिन जब वह साइमन को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। दरअसल साइमन बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। जेलर सोचता है कि बिना खाए पिए साइमन को 10 दिन में ही मर जाना चाहिए था, लेकिन यह तो तीसरे हफ्ते तक भी ठीक नजर आ रहा है। हालांकि साइमन थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अभी भी ठीक ठाक चल फिर पा रहा था। यह देखकर जेलर शॉक में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जेलर को शक होने लगता है कि पैरू कोई ना कोई खाने पीने की चीज जरूर इसके लिए लेकर आती होगी। अगले दिन जेलर पैरू और साइमन की मुलाकात को देखने का विचार बनाता है और एक कोने में जाकर छिपकर बैठ जाता है। तभी पैरू के आने का वक्त हो जाता है। वह आती है और थोड़ी देर साइमन से बातें करने लगती है। उसके बाद जो जेलर ने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। जेलर देखता है कि कैसे पैरू बड़ी ही चालाकी से बाहर खड़े सैनिक की तरफ पीट कर लेती है और फिर धीरे से अपनी चोली को उठाती है और अपना स्तन अपने बूढ़े बाप के मुंह को लगा देती है और उसका बूढ़ा बाप बेवसी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप स्तनपान करने लगता है। जेलर यह सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी जेलर अपनी जगह से उठता है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही राजा को इस बात का पता चलता है वह बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को राज दरबार में पेश करने का हुक्म देता है। साइमन और पैरों की खूब थूतू होती है। लोग कहने लगते हैं कि इन दोनों ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है, इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए। वहीं जहां हर तरफ इन बाप बेटी के खिलाफ बातें हो रही थी, वहीं कुछ लोग इस पूरी घटनाक्रम को दूसरी तरह से भी देखते हैं। उनका कहना था कि यह घटना एक पिता और पुत्री के अतुलनीय प्रेम को दिखाता है। पैरू का अपने पिता के लिए प्रेम बिल्कुल सच्चा था और वह किसी भी कीमत पर उनकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। धीरे धीरे लोगों पर इस घटना का सकारात्मक पक्ष का ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। कहा जाता है कि उनकी पेशी के दिन लोग सड़कों पर उतर आए थे। विद्रोह के डर से और जन भावनाओं के ध्यान में रखते हुए राजा एक अनोखा फैसला लेता है जिसमें सिर्फ पैरू को ही नहीं बल्कि उसके पिता साइमन को भी दंड मुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को कुछ लोग सही कहेंगे तो कुछ लोग गलत कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी काम के पीछे की भावना सही हो तो वह काम गलत होते हुए भी सही कहा जा सकता है। साइमन और पैरू की घटना पिता और पुत्री के अतुलनीय प्रेम की सबसे ऊंची मिसालों में से एक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।